चिंगम सर, गुड मॉर्निंग। ये दरअसल बॉस के चाचा जी हैं। उनका हाल चाल जानने आए हैं। चाचा जी, आपके भतीजे की चाल ढाल एकदम बेकार है। उसे कुछ अच्छा सिखाओ। जाइए, जाकर मिल लो। जॉन, ये है सेल्फ डैमेज स्प्रे। इसे तुम जिसके भी चेहरे पर स्प्रे करोगे, वो अपना आपा खो बैठेगा और खुद को ही नुकसान पहुंचाने के तरीके ढूंढने लगेगा। और जब तक वो अपनी इमेज को डैमेज नहीं कर देता, उसको चैन नहीं आएगा। अब तुम तो लॉकअप में हो, तो अपने गुण से नंबर वन नंबर टू से इसकी 1 करोड़ की पेमेंट करवा दो। अभी करवाता हूँ। मेरे भतीजे को अंदर डालने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इंस्पेक्टर? क्या हुआ सर? ये चाचा तो जॉन से भी बड़ा कलाकार निकला। मैंने जॉन को समझाने को बोला तो ये मुझे ही थप्पड़ मार के समझा के निकल गया। अगली बार चाचा भतीजा दोनों को एक साथ लॉकअप में डालूंगा, पक्का। चिंगम सर, मैं अपने चाचा जी की तरफ से आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। आपको एक टॉप सीक्रेट बताना है। प्लीज 1 मिनट के लिए इधर आइए। आइए ना। क्या बोलते हो जॉन, कौन सा टॉप सीक्रेट बताना है? जल्दी बताओ। अरे माँ, मैंने जिंदगी में चोरों को पकड़वा कर बहुत नाम कमा लिया, और अब मैं इस सब से बोर हो चुका हूँ। अब मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि मेरा नाम बदनाम हो जाए। चिंगम सर, मुझे जेल से भगा कर अपनी इच्छा पूरी कर लो। सलाखें काटो और मुझे भगा दो, फिर आपकी इमेज पर हमेशा हमेशा के लिए दाग लग जाएगा। हो सकता है कि आपकी नौकरी भी चली जाए। वेरी गुड आइडिया जॉन, थैंक यू। यू आर वेलकम। सर, सलाखें काटने की क्या जरूरत है? ताला खोल के भी तो भगा सकते हैं। ताला खोल कर जॉन को भगाने में कोई मजा नहीं है। सलाखें काट कर भगाने में सीरियस क्राइम लगेगा। कुछ अलग काम करना है। मजा आ गया। आई एम अ क्रिमिनल। हेलो बबल गम सर, चिंगम सर ने जॉन को सलाखें काट के भगा दिया है। क्या बोला? चिंगम ने जॉन को भगा दिया? चिंगम को पकड़ कर जेल में डाल दो अबे। अरे बाप रे। मजा आ गया। चिंगम की इमेज का तो सत्या नाश हो गया। अब मैं मोटू पतलू की इमेज बर्बाद और खुद को आबाद करूंगा। बॉस बॉस, वो देखो मोटू पतलू। मोटू पतलू, मैं चाहता हूँ कि आप दोनों दूल्हे का स्वागत करके उनको मंडप तक ले जाएं। हम बढ़िया से स्वागत करेंगे, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मोटू, एक सीक्रेट बात बताओ। सीक्रेट? क्या सीक्रेट? बताओ बताओ। वो देखो, बारात आ चुकी है। हमें दूल्हे का स्वागत करना है। तैयार रहो। बहुत मजा आ रहा है। अरे मोटू, मोटू क्या कर रहे हो? घोड़े को वापस लाओ। पत्नू, मैंने तुमको दूल्हे का स्वागत करने को कहा था। तुम दोनों ऐसा स्वागत करोगे मैंने सोचा नहीं था। अरे कहाँ ले जा रहे हो मुझे? मोटू घोड़े से उतरो। अरे क्या तमाशा लगा रखा है। पतलू तमाशा ही सही, पर आज मुझे इसी में मजा आ रहा है। मोटू, आइडिया। चिंगम सर, चिंगम सर, मोटू को रोकिए, वो दूल्हे का घोड़ा लेकर भाग रहा है। अरे हाँ, दूल्हे का घोड़ा। अब तो और भी मजा आएगा। डोंट स्टॉप। Hey Mojo, I am always with you. अब हम दोनों मिलकर अपनी इमेज को डैमेज करेंगे। मर जाओ तूने राजा।
पतलू, मोटू को क्या हो गया है? दूल्हे राजा की क्या हालत करती है? मोटू की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ सर। पता नहीं वो दोनों घोड़े पर कहाँ तक निकल गए होंगे। देखे चिंता मत कीजिए साहब, हमारा घोड़ा ट्रेंड है, खुद ही वापस आ जाएगा। ये धमाका कैसा था? मंडप वाली जगह पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, शुक्र है वहाँ कोई नहीं था। ओ, इसका मतलब मोटू को बॉम्ब के बारे में पहले से पता था। लगता है इसीलिए मोटू जी मेरा घोड़ा लेकर भाग गए थे, ताकि मैं मंडप में ना पहुंच सकूं, शादी रुक जाए और मुझे कोई नुकसान भी ना पहुंचे। इसीलिए तो इंस्पेक्टर चिंगम ने भी मोटू का साथ दिया। वो देखो, मोटू और चिंगम सर आ गए। मोटू चिंगम जिंदाबाद, मोटू चिंगम जिंदाबाद। मोटू जी, चिंगम सर, थैंक यू वेरी मच, आप दोनों ने दूल्हे राजा की जान बचा ली। मोटू मेरे दोस्त, आई एम प्राउड ऑफ यू। मोटू, ये तो उल्टा हो गया, हम तो अपना इमेज डैमेज करने के लिए निकले थे, पर यहाँ तो सब हमें प्रेज कर रहे हैं। मोटू पतलू, पता नहीं किस कलम से अपनी किस्मत लिखवा कर इस दुनिया में आए हैं। मुझे तो वो कलम मिल जाए ना तो उसे तोड़े डाल। भाइयों वो देखो, जॉन, जरूर जॉन ने ये बॉम्ब फिट किया होगा। नहीं, मुझे मत मारो, मैंने कोई बॉम्ब कुछ नहीं लगाया। नंबर वन, नंबर टू, बचाओ। चिंगम सर, हम दोनों जॉन को भीड़ से बचाते हैं तो लोग हमसे भी नफरत करेंगे। भैया मोटू, ब्रिलियंट आइडिया। छोड़ दो, पतलू समोसे लाओ। मोटू, मैं गलत काम में तुम्हारा साथ बिल्कुल नहीं दूंगा। सब लोग रुक जाओ, अगर मोटू और चिंगम सर जॉन को बचा रहे हैं तो इसका साफ मतलब है कि जॉन निर्दोष है, और ये दोनों एक निर्दोष को पिटते हुए नहीं देख सकते। अरे दूल्हे राजा और हम सब सही सलामत हैं, यही हमारे लिए खुशी की बात है। अभी आप लोग अंदर चलिए, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। चिंगम सर, हम करने के लिए कुछ और चले थे और हो कुछ और गया। मोटू, उस आदमी को देखो, लगता है कोई इम्पोर्टेंट गेस्ट है, चलो उसी को परेशान करते हैं। अरे कोई रोको मोटू और चिंगम सर को, वो तो सबसे इम्पोर्टेंट गेस्ट को ही परेशान कर रहे हैं। मोटू छोड़ो उनको, अरे चिंगम सर आप तो सुनो। तो तुम लोगों को मेरे इरादे के बारे में पता चल ही गया? मैंने ही मंडप में बॉम्ब लगवाया था, घनश्याम जी की करोड़ों की प्रॉपर्टी पर मेरी नजर थी। मैंने सोचा था कि मेरे बेटे की शादी घनश्याम जी की बेटी से होगी, पर शादी फिक्स हो गई किसी और से। ओ हो, इसका मतलब मोटू और चिंगम सर को इसकी असलियत पहले ही पता चल गई थी, और ये लोग तुम्हारे मुंह से खुद कबूल करवाना चाहते थे। थैंक यू मोटू, थैंक यू चिंगम सर। खबरदार, अगर किसी ने मेरी तरफ एक कदम भी बढ़ाया तो। मोटू, तुम्हें समोसे चाहिए थे ना, तो ये लो समोसे खाओ और शुरू हो जाओ। मैं करूं तो क्या करूं, मोटू को जीरो बनाना था पर वो तो हीरो बनता जा रहा है। एक बार और मोटू और चिंगम पर स्प्रे कर देता हूँ, तब तो दोनों कोहराम मचा देंगे। कुछ हुआ था क्या? अरे मेरे हाथ पैर बड़े दर्द हो रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे किसी ने हमारी पिटाई की हो। हाँ, मेरे भी पैर में बड़ा दर्द हो रहा है, जैसे हमने हॉर्स राइडिंग की हो। क्या मतलब तुम दोनों को कुछ भी याद नहीं? मोटू, तुमने हम सबको बॉम्ब से बचाया है। क्या, चलो अच्छा है, ऑल इज वेल व्हेन एंड्स वेल। ये क्या, ये दोनों तो नॉर्मल हो गए।
बॉस बॉस, आपने वायरस सर की पूरी बात तो सुनी नहीं थी। उन्होंने बताया था कि इस स्प्रे को दोबारा करने से इसका असर खत्म हो जाता है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरा सब किया कराया धरा का धरा रह गया। अब ये स्प्रे मैं खुद पर करूंगा और खुद को और भी बुरा बना डालूंगा। ये शरबत पीजिए, गुलकंद डाला है, बिल्कुल असली गुलकंद। नंबर टू, लगता है बॉस पर स्प्रे का उल्टा असर हो गया है। बॉस की इमेज तो पहले से ही डैमेज थी, इसलिए वो सीधे साधे बन गए हैं। अरे घूरना बंद करो, पहले सब्सक्राइब करो।